अबे स्टेल जल्दी है, डोरेमोन का एपिसोड आ चुका होगा, देखते हैं यहाँ पे मजे से। अबे काय काय, ओ भाई लेट्स गो भाई, मजा आएगा बहुत ज्यादा। अबे नालायक हो, नल्लो छपरे हो, पहले अपनी जान बचाओ डोरेमोन क्या भाड़ में, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आ रही है ओशन से, और उस सुनामी के कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, जानवर सब लोग मारे जाएंगे, तो जल्दी अपनी जान बचाओ, छुपो, मैं भी जा रहा हूँ छुपने। अबे स्टेल क्या बकवास कर रहा था, ऐसे तो हम दोनों मर जाएंगे। अबे नल्ले अपने बारे में सोचिया, मैं तो अमीर हूँ, मेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं अपने लिए मस्त बंकर बनाऊंगा। भाई पर मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो खुड़ी कौड़ी भी नहीं है। ये भाई स्टील मुझे भी डायमंड देना, भाई तू मेरा दोस्त नहीं क्या, अगर ऐसा रहेगा तो मैं सुनामी से मर जाऊंगा। बढ़िया ही होगा, तू मर जाएगा तो ट्रोल करते रहते ना मिस अमेर को। चल निकल यहाँ से, मैं तो जा रहा हूँ अपने लिए बंकर बना रहे, तू यही पे रहे। भाई नहीं, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 10 डायमंड बंकर को बनाने के लिए। एक काम करता हूँ, शॉप में जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या आइटम है बंकर को बनाने का। ओ भाई देखो क्या मस्त मस्त आइटम है बंकर को बनाने का, भैंस यहाँ पे ऑब्सिडियन भी है, भाई मुझे तो ये चाहिए। अबे नूबड़े, तेरे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है ये वाले आइटम, सिर्फ अमीर लोगों के लिए, अमीर लोग लेते हैं सिर्फ। भाई साहब तो 100 डायमंड का, अबे भाई यार इतना महंगा क्यों है। अरे कोई ना, तेरे जैसे गरीब लोगों के लिए मेरे पास और आइटम्स हैं, ये देख कितने बढ़िया आइटम्स हैं, मैं तेरे को डिस्काउंट भी दे दूंगा। ए सेकंड भाई, एक डेड ब्लॉक, वो भी एक डायमंड का, भैंस तू मुझे स्कैम कर, चूना लगा रहा मुझे पे, चल फक। ओ विलेजर मेरे को चाहिए यहाँ पे 100 ऑब्सीडियन, और ये ले तेरे को जितने डायमंड चाहिए यहाँ पे ले ले, मैं यहाँ पे बहुत अमीर हूँ। भाई तो चीटिंग है, स्टील के पास भर भर के डायमंड्स हैं। बट कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि इस एसएमपी में मेरे पास एक सुपर पावर है, और वो ये है गाइस कि मुझे कभी भी कोई भी रैंडम आइटम मिल सकता है। तो चलो देखते मुझे अभी कौन सा रैंडम आइटम मिलेगा, प्लीज कोई बढ़िया सा ऑब्सीडियन वगैरह कुछ बेडरॉक मिल जाए प्लीज। ओके 1 2 3 वेट स्पंज, भाई इसका मैं क्या करूंगा, मुझे पानी को नहीं सोखना भाई, सुनामी से बचना है क्या, घटे आइटम है। वेट, अरे स्पंज तो पानी को सोख लेता है, तो मैं अपना बंकर स्पंज से क्यों ना बना दूं, इससे फिर सुनामी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। बेचारा आदमी मरने वाला है, मैं तो बनाऊंगा अपना बंकर जमीन के अंदर, और मैं अपने बंकर की वॉल को पूरे ऑब्सीडियन से बनाऊंगा, सुनामी मेरा कुछ कर ही नहीं पाएगी। A few moments later. भाई देखो मैंने अपना बंकर बना दिया है, और इसको मैंने पूरा आसमान के ऊपर बना रखा है, पानी अगर इतने ऊपर बढ़ भी जाएगा तभी मैं यहाँ पे सेफ रहूंगा। अबे नूब ये क्या बना दिया तूने, का हाउस। अबे छी किसको बोल रहा है, तेरे बंकर से ज्यादा बढ़िया मेरा बंकर। अबे अपने बंकर के अंदर देख, छी चमगादड़ घूम रहे हैं, ये देख मेरा बंकर यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑब्सीडियन से बना हुआ है पूरा। ओ भाई तो पूरा अंदर से ऑब्सीडियन का बना हुआ है, और ये देख अंदर से मैंने पूरा डायमंड का बना रखा है डबल लेयर डालने के लिए। भाई ये क्या बदतमीजी है, और मैं भी देखता हूँ वो तेरे स्पंज का बंकर कितनी देर तक टिक पाएगा। मुझे भी गाइस अपने बंकर को डबल लेयर का बनाना पड़ेगा, एक काम करते शॉप पे जाके देखते हैं वहाँ पे आखिर क्या आइटम मिल रहा है। भाई आयरन ब्लॉक, और यार यहाँ पे 100 डायमंड का है। नहीं नहीं भाई एक काम करते गरीब वाली साइड में देख के आता हूँ यहाँ क्या है। वेट 10 कोबलस्टोन, वो भी एक डायमंड में। थाले विलेजर के बच्चे स्कैम कर रहे हैं यहाँ पर, चूना लगा रहा हूँ मुझे वापस से। यार मेरे पास मेरी सुपर पावर है तो प्लीज मुझे अच्छा आइटम दे दे प्लीज प्लीज। वेट एक पेंट ब्रश, भाई ये क्या बदतमीजी है भाई, मुझे आपको ड्राइंग नहीं बनानी बंकर बनाना है यार, क्या घटा आइटम यहाँ पर सही में। वेट ए सेकंड भाई, मुझे अभी क्या मिला, डायमंड पिकैक्स। नो वे गाइस, मैंने यहाँ पे डायमंड पिकैक्स से ड्राइंग बनाई और मुझे यहाँ पे डायमंड पिकैक्स मिल गई। वेट इसका मतलब यहाँ पर एक जादुई ब्रश है, और मेरे ख्याल से इससे मैं जो भी चीज बनाऊंगा वो मुझे मिल जाएगी। क्यों ना मैं यहाँ पे बना दूं सीधा बेडरॉक, क्या कहते हो, और एक बार अगर मुझे बेडरॉक मिल गया तो मेरा बंकर को कोई तोड़ ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले भले कोई। तो चलो गाइस मैंने यहाँ पे बेडरॉक की ड्राइंग बना दी है, साथ में यहाँ पे लिखता हूँ नीचे 64। ओके गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस्ट है, अब मुझे यहाँ पे बेडरॉक मिलने वाला है। 3 2 1 गो। वेट आइटम इज टू ओवर पावर्ड, भाई ये क्या बदतमीजी है। लेट्स गो, अब तो मेरा बंकर अंदर से पूरा अमीरो वाला दिख रहा है, लेकिन इतना ही नहीं मैं इधर अपने लिए बनाऊंगा एक गेमिंग सेटअप। देखो यहाँ पे कितनी मस्त आरजीबी, यहाँ पे मस्त मॉनिटर बढ़िया बढ़िया चल रहा है, पर ये मेरा मेन मॉनिटर थोड़ी ना है, मेन सेटअप को मैं रखूंगा इस साइड। ये देखो देखो तीनों स्क्रीन में माइनक्राफ्ट चल रहा है, मस्त खेलूंगा मैं गेम। यार नहीं वेट, मैं यहाँ पे एक और चीज ड्रॉ कर सकता हूँ, क्यों ना गाइस यहाँ पे मैं लावा का ब्लॉक ड्रॉ करूँ, क्या कहते हो। लेकिन गाइस ये कोई नॉर्मल लावा नहीं होगा, ये यहाँ पे प्लेस करने वाला लावा होगा। और भाई देखो मेरे पास आ गए लावा के ब्लॉक्स जिससे मैं प्लेस भी कर सकता हूँ, ये देखो। साथ में अगर पानी कॉन्टेक्ट में आ गया तो सीधा ऑब्सीडियन बन जाएगा। तो चलो भाई जल्दी से लगाते हैं, लेट्स गो। चल 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 बेटा लग जाए यहाँ पे जल्दी फटाफट से, अब तो मेरा बंकर पूरा सिक्योर हो जाएगा जल्दी से। जल्दी जल्दी काम कर भाई, सुनामी तो यहाँ पे बहुत जल्दी आने वाली है। A few moments later. And guys, अब देखो मेरा बंकर कितना मस्त लग रहा है अंदर से। हाँ वो अलग बात है, मैंने ग्लास भी खरीद के लगाया भाई, उस विलेजर ने मुझे लूट दिया। और अब अगर सुनामी इतने ऊपर आ भी गई तो मेरा स्पंज तो है मुझे बचाने के लिए, लेकिन अगर स्पंज भी कुछ नहीं कर पाया और ये टूट गया तो लावा है ना यहाँ पे, जैसे इसके कॉन्टेक्ट में आएगा सीधा ऑब्सीडियन बन जाएगा जिससे मैं अंदर पूरा सेफ रहूंगा। चलो एक बार देख के आते स्टील का बेस कैसा है। बाप रे ये क्या स्टील विंग, अबे देख रहा है अमीरों का बंकर है ये। भाई प्लीज मुझे अंदर जाना है, मुझे देखना अंदर तूने और क्या क्या करा है। अबे चल तेरे जैसे कचड़े लोग नहीं आते यहाँ पे, यहाँ पे बस अमीर लोग की जगह है, तेरे जैसे लोग नहीं आते। भैंस की तुझे बहुत घमंड है ना अपने बंकर में। रुक जरा मैं तुझे दिखाता हूँ, इस बार गाइस मैं सीधा ड्रॉ करूंगा नेदरराइट ब्लॉक, इससे ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा।
वेट भाई, मेरा पेंट ब्रश टूट गया, अब मैं बंकर कैसे बनाऊंगा? हाँ भाई, तू कुछ दिखाने वाला था ना, कहाँ पे है? लगते तेरे पास दिखाने को कुछ है नहीं। रुक जा, मैं तेरे को दिखाता हूँ। ये देख, अब मैं सीधा लूंगा यहाँ से डायमंड डोर और इसको मैं अपने बंकर में लगा दूंगा जिससे तू अंदर जा ही ना पाए। नो वे भाई, मुझे भी अपने बंकर में डोर लगाना है, लेकिन चोमू विलेजर मुझे टट्टी से लकड़ी वाला दरवाजा दे रहा है, वो भी एक डायमंड में। अरे आदि, तुझे डोर चाहिए? ले 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 ले, बहुत ही मस्त डोर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डोर है ये। अबे चल निकल यहाँ से लालची विलेजर, प्लीज भगवान को मस्त सुपर पावर दे दो मुझे, तब तो मजा आ जाएगा। वेट, मैं जिस भी चीज को टच करूंगा वो यहाँ पे ओपी आइटम बन जाएगा। ओ भाई, क्या मस्त पावर है ये, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम यूज के लिए। तो मेरे पास एक आइडिया है, तो अगर मैं इस बेकार से डोर को खरीद के अपने बंकर में लगाऊं तो क्या इसको टच करने से ये ओपी डोर बन जाएगा? ओ भाई, ये क्यों क्या मेरे डोर को, इतना बड़ा मेटल का डोर बन गया, लेट्स गो भाई। अभी ये क्या बना दिया आदि ने ऊपर पे? अभी ये तो गरीब था, इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? हाँ भाई, स्टील गरीब बोल रहा था ना मुझे यहाँ पे। ये देख कितना बड़ा जायंट डोर लगा दिया मैंने, देख स्पंज का भी लेयर यहाँ पे और अंदर लावा का भी लेयर है, इतना खतरनाक बंकर है मेरा। वेट, तूने ये सब करा कैसे? अबे प्रो में ठीक है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चल बे बॉट, तू वैसे भी तेरे पास कुछ खाना नहीं है, जब सुनामी आएगी ना तब तू खुद भूख से मर जाएगा यहाँ पे बंकर के अंदर। और ये देख, अपने खाने के लिए मिलूंगा यहाँ से ऑब्सीडियन एप्पल, और तैयार हो जा, बस 15 मिनट बाकी है सुनामी को आने में। वेट भाई, मुझे भी चाहिए यहाँ पे एप्पल। अरे चल बे, मैं तेरे को यहाँ पे एक फूडी कौड़ी भी ना दूं। विलेजर मुझे भी दिया यहाँ पे एप्पल प्लीज, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे आदि, तेले है ना मेरे लिए मस्त खाना, ये देख इसे खा तू आराम से। क्या आलू, और वो भी यहाँ पे 64 डायमंड का? तेरी भैंस की टांग बढ़िया से। अरे सॉरी सॉरी, मत मार मुझे। नहीं नहीं भाई, मुझे भी चाहिए यहाँ पे एप्पल, वो सुनामी बहुत तेज हमारी तरफ आ रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्या करूँ क्या करूँ? वेट, अबे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? अभी तेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे एक रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है, और इसमें जो भी जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा 64 एन्चांटेड एप्पल। क्या? ओ भाई साहब, तो मस्त है। मुझे तो यहाँ पे वैसे भी खाना चाहिए था बंकर में बचने के लिए, अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आराम से कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा और फ्री में मुझे एप्पल मिल जाएंगे। तो चलो भाई, यहाँ पे कॉम्पिटिशन पार्ट करते हैं। वेट, अबे स्टील, अबे तू क्यों कर रहा पार्टिसिपेट? अबे नल्ले, तेरे को हराने के लिए कर रहा हूँ मैं। बेटे मेरे रहते हुए तू कभी भी उस एन्चांटेड एप्पल को ले नहीं पाएगा। भाई का कमीना इंसान है, कोई ना बेटे, मैं तो जीतूंगा तो मैं ही। तो चलो फिर, आप रेस स्टार्ट होने वाली, 3, 2, 1 एंड गो। चलो भाई, अबे अबे भाई, स्टील तो बहुत तेज से आ रहा है यहाँ पे, कोई ना जीतूंगा तो मैं ही यहाँ पे। चलो चलो भाई जल्दी, चलो चलो चलो। अबे यार स्टील भी बड़ी तेज से आ रहा है, कोई ना आराम से चलाएंगे यहाँ पे बोट, अबे बहुत बड़ा कर्व है। ओके भैंस के ट्रक, स्टील तू यहाँ पे प्रैक्टिस करके आ रहा है क्या? हाँ बेटे, तेरे को हराने के लिए कर रखी थी। चलो 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 जल्दी चलो। ओके भाई, मैं आगे आ चुका हूँ, लेट्स गो। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल यहाँ पे। अबे भाई यार, वापस आगे निकल गया स्टील भी, कोई ना अभी यहाँ पे क्या है, लगता है यहाँ से मुझे आगे पार करके जाना पड़ेगा। अबे स्टील भैंस सीटक, तू आगे कैसे पहुंच गया? रुक बेटे, आ रहा हूँ। वेट, यहाँ पे आगे करना क्या है? लगता है यहाँ पे ब्रिज बिल्डिंग करनी मुझे। अबे भाई, ब्रिज बिल्डिंग तो मुझे आती नहीं, यहाँ पे मैं कैसे जाऊंगा आगे? यार काश मुझे आपको ऐसा आइटम मिल जाए मेरे जादुई पावर से कि यहाँ पे मैं आराम से जा पाऊँ। प्लीज कोई बढ़िया आइटम देना, प्लीज प्लीज। ओके 3, 2, 1 एंड गो। वेट, मुझे यहाँ पे क्या मिला? एंडर पल भाई साहब, मुझे ये तो चाहिए था। आराम से जाऊंगा भाई यहाँ पे, क्योंकि स्टील को पता लगना चाहिए। ओके एंड लेट्स गो। वेट भाई, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। अबे नल्ले, तू कैसे यहाँ पे गए इतनी जल्दी? अबे प्रो भाई, स्किल है मेरे पास, देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जीत गया हूँ प्राइज। अबे नहीं यार, मैं हार गया हूँ। चलो भाई लेट्स गो, मुझे यहाँ पे एप्पल मिल चुका खाने के लिए। आप तो क्या सुनामी मेरा कुछ कर ही नहीं पाएगी, मेरे पास बढ़िया सा बंकर भी है और साथ में एन्चेंटेड एप्पल भी है। आदि 5 मिनट में सुनामी आने वाले, उससे पहले हम लोग एक दूसरे के बेस को रिव्यू कर देते हैं। हाँ वैसे तेरा आइडिया तो बढ़िया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तेरा बेस तूने कैसे बना रखा है। ये देख भाई, अमीरों का बेस है, बढ़िया सेंसर वाले डोर लगा रखे हैं मैंने। और भाई एडवांस टेक्नोलॉजी लगा रखी क्या भाई? ये देख, आसपास देख रहे, पूरा ऑब्सीडियन का बना रखा है। अरे भाई, इसका तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा मुझे। और सबसे खतरनाक मेरे बेस की बात है, मेरे पास गेमिंग पीसी है। बेस्ट टंग, तूने गेमिंग पीसी पे लगाई यहाँ पे? अभी जब सुनामी आएगी ना तो मस्त आराम से बैठ के इसके अंदर मैं माइनक्राफ्ट खेलूंगा। चल कोई ना, ये तेरा बेस है ना, देख तूने मेरा बेस तो पहले ही देख रखा वैसे भी। अबे वो देख पीछे, सुनामी आ रही है। भैंस सड़क सो, एक सेकंड, जल्दी भागो अपने बंकर के अंदर। बाप, ये क्या यहाँ पे भाई मेरे ख्याल से यहाँ पे सीधा इस पे हिट करने वाला मेरे बेस पे। ओ भाई भागो बंद करो से। नहीं भाई, एक काम करता हूँ, फ्री कैम से देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा बाहर। भाई साहब मेरा पूरा बंकर, और भाई क्या हो रहा है यहाँ पे सुनामी से भाई बेस को? अभी ये क्या हो गया, इतनी खतरनाक सुनामी कैसे आ गई भाई? मुझे भी नहीं पता। अरे बाप रे, हमारा पूरा विलेज का हमारे घर भी चले गए यहाँ पे। अब भाई साहब ये देखो, ऊपर तक पानी आ चुका है मेरा बंकर यहाँ पे, और ये पानी देखो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। और भाई हमारे यहाँ पे क्या हो चुका हाल पूरा। ओके गाइस, यहाँ पे काफी टाइम हो चुका है, एक काम करो बाहर जाके देखो यहाँ पे। वेट भैंस, पूरा पानी भर गया यहाँ पे, एक सेकंड ऊपर जाके देखो। बाप रे बाप, नहीं भाई पूरा पानी से डूब गया यहाँ पे सब कुछ। वो स्टील पत्नी अंदर क्या कर रहा होगा? देखो यहाँ पे मेरा स्पंज काम कर रहा है, ये पानी को रोक रहा है यहाँ पे। पत्नी भाई कितनी देर तक यहाँ पे होल्ड कर पाएगा, वैसे तो यहाँ पे काम कर अच्छे ढंग से। वेट भाई, ये क्या हो गया यहाँ पे मेरे बंकर को? मेरा स्पंज गायब हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। नहीं भाई ऐसा मत कहना, मेरा स्पंज टिक ही नहीं पाया सुनामी के आगे। कोई ना भाई, ये देखो यहाँ पे काम आ चुका मेरा हैक। देखो मेरा लावा ब्लॉक यहाँ पे बन चुका है, ऑब्सीडियन ब्लॉक, तो इसका मतलब अब सुनामी मेरा कुछ कर ही नहीं पाएगी। अभी नहीं, मेरे बंकर के अंदर पानी कैसे आने लग गया?
अरे मैंने तो फुल प्रोटेक्शन दे रखी थी, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा भाई इस बंकर के अंदर। अभी मेरा गेमिंग पीसी भी पानी में डूब गया, मैं गेम कैसे खेलूंगा? अभी नहीं नहीं मेरे को इस बंकर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। कोई इतना सारा पानी खा सके मेरे बंकर के अंदर, क्या फायदा इन डायमंड से जब मैं अपनी जान ही नहीं बचा पाया। अबे आदि मेरे को बचाने आ। वेट, यहाँ पे स्टील का लिख रहा चैट में, बचाओ बचाओ। वेट अ सेकंड, भाई स्टील का मर तो नहीं रहा वहाँ पे? वैसे उस पागल ने अपना बंकर जमीन के अंदर बना रखा है। अबे नहीं यार, ऐसे तो मर जाएगा यहाँ पे, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। बट यार यहाँ पे मैं जाऊँ कैसे नीचे, भाई इतना गहरा पानी है ये। नहीं वेट, मेरे पास मेरे सुपर पावर है, तो काश मुझे कोई बढ़िया सा आइटम मिल जाए जिससे मैं स्टील को बचा पाऊँ। प्लीज प्लीज को बड़ा आइटम दे दे प्लीज प्लीज। वेट, ये मुझे क्या मिला यहाँ पे? स्कूबा डाइविंग वाला सूट, भाई लेट्स गो। इसका मतलब इसे पहन के गाइस मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ, और इससे मैं पानी के अंदर डूबूंगा ही नहीं। बाय, ये ना मस्त चीज यहाँ पे, तो जल्दी चलो यहाँ पे, मुझे स्टील को बचाना पड़ेगा। टेल मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो टेंशन ना ले। अबे आदि बचा मुझे, मैं यहाँ पे डूब रहा हूँ। अबे भाई वो यहाँ पे चिल्ला रहा, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। ओके स्टील, भैंस की टांग, ये क्या हुआ तेरे को? अबे स्टील उठ यहाँ पे भाई, मैं बचाना गया तेरे को। अबे भाई मेरी हाफ फैलते बची हुई। अरे तू टेंशन ना ले, मैं तुझे बचाऊंगा यहाँ पे, रुक जा रुक जा। देख हमको सबसे पहले इस बंकर से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पे पानी भरता जा रहा है। तू एक काम कर, मेरा सूट पहन ले स्कूबा डाइविंग वाला, इससे तेरे को पानी के अंदर कुछ नहीं होगा। और साथ में एक काम कर, ये यहाँ पे एप्पल खा ले थोड़ा एन्चेंटेड वाले। अबे थैंक यू सो मच यार, तू कितना अच्छा है। चल चल मेरे पीछे, जल्दी से बाहर निकलते हैं। अबे भाई कितना पानी यहाँ पे, भैंस की टांग जल्दी भागो। इधर आ, यहाँ ऊपर में मेरा बंकर है, पूरा सेफ है यहाँ पे। आ चल चल अंदर आ जा। अबे तेरा बंकर कितना सेफ है यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई प्रो ने जो बना रखा है यहाँ पे। और फिर गाइस ऐसे हमने बहुत टाइम तक वेट करा बंकर के अंदर पानी के जाने का, और वेट करने के बाद गाइस फाइनली यहाँ पे पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाने लग गया, जिसके बाद कुछ टाइम बाद सारी चीजें यहाँ पे नॉर्मल होने लग गई। देख स्टीलविंग, हम बहुत दिनों से इस बंकर के अंदर ही हैं, तो मेरे ख्याल से अब तक अभी सुनामी जा चुकी होगी। अरे हाँ भाई तो सही कह रहा है, अब हमें बाहर चेक करना चाहिए शायद। तो चल यहाँ पे डोर को ओपन करते हैं, 3 2 1। वेट भाई, यहाँ पे सारा पानी जा चुका है। अरे हाँ ये देख जरा, हमारा विलेज वापस वैसे का वैसे हो रखा है। भाई लेट्स गो, देखो सर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, बस पानी की वजह से यहाँ पे थोड़ा जमीन खराब हो चुकी है। लेट्स गो, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, मेरा घर स्टीलिंग तेरा भी घर, अब सब कुछ हमें बढ़िया हो चुका है। स्टील मैं तो बोलता हूँ डोरेमोन देखते तेरे घर के अंदर क्या कहता है। अबे चल पे, तू गरीब है और मैं अमीर हूँ। अबे भैंस की, मैंने तेरे को इतना बचाया यहाँ पे सुनामी से, ये वो करा और तू यहाँ पे वापस आ गया अमीर गरीब में। तेरी भैंस की टांग, तू निकल यहाँ से। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तू तो राजा, आजा मेरे घर के अंदर, आजा आजा देखते हैं। चलो भाई लेट्स गो। एंड गाइस अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और साथ ही साथ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब गाइस तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो जो तुम्हें सामने दिख रही होगी, तो मस्त वीडियो जाके देख लो। और मैं तुम्हें मिलता हूँ गाइस अगली बार, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।